Redefining education, regaining struggle, renovating society. SIO, awakening the nation. आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ SIO का, जो मुझे आपने एक अपॉर्चुनिटी दी और मुझे इज्जत दिया कि आपने बुलाया और बहुत शॉर्ट नोटिस पे बुलाया कि मैं मुंबई आया था। शायद ये प्रोग्राम मेरे प्लानर में नहीं था, पर जब नुमानी साहब और लोग आप लोग मिले तो मैंने कहा कि चलो हम लोग इंटरेक्ट करते हैं और जो बातें यहाँ बताएगी कैसे SIO काम कर रहा है एजुकेशन के फील्ड में, अपने इस्लामिक रिलीजन के फील्ड में और स्कूल, मेडिकल कॉलेज और जिस तरह से नीट के लिए लड़ाई लड़ी, मैं बहुत यू नो आई अप्रिशिएट दैट एफर्ट। लोगों से, SIO के सारे मेंबर से मैं बस यही अपील करता हूं कि देखो ये जो हुकूमत है उनका जो जाल है, रीड दैट रैबिट होल थ्योरी आई टोल्ड यू जस्ट नाउ, उस रैबिट होल थ्योरी में तुम्हें नहीं फंसना है। तुम्हें कट्टरवाद, तुम्हें उसकी फैनेटिज्म, तुम्हें जो है राइट विंग लेफ्ट विंग की बात ही नहीं करनी है। तुम्हें अपने पैरों पे सबसे जरूरी है खड़ा होना है, अपनी एजुकेशन अच्छी लेनी है और अपने आप को, अपने वजूद को इतना बड़ा कर लेना है कि कोई भी हुकूमत तुम्हें दबा ना पाए। तुम्हें बात करनी है अपने इंडिया की, तुम्हारा इंडिया है, तुम्हें कोई भगा नहीं सकता, तुम्हें कोई हटा नहीं सकता, वो तुम्हारा इंडिया है। इंडिया जो होती है अपनी, मेरी सोल है यार, उसके साथ सब जुड़े हैं हम। तुम क्यों मेरे साथ रहते हो? क्योंकि हम लोगों की वाइब मिलती है। पैगंबर साहब जिस तरह से हम लोगों को जोड़ा है ना, हम लोगों की सोल को जोड़ा है, वैसे ही इंडिया की सोल। तो उस सोल को तोड़ने की बात नहीं करनी, उस सोल को जोड़ने की बात करनी, ऐसी इंडिया की बात करनी जिसमें सब लोग मिलकर साथ रहेंगे और प्रोग्रेस करेंगे। उनके जाल में नहीं फंसना है जो वो गंदी राजनीति की बातें करते हैं। पढ़ाई करो, माँ बाप की बातें मानो और अपने आप को इतना बड़ा करो कि खुद लोग तुम्हें सलाम करने आए। और जैसे मैं अपना ही एग्जाम्पल दे दूं कि मुझसे पूछते हैं कि अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी दी जाए कि अगर आप उस रात ना जाओ तो क्या नहीं जाओगे? नहीं, मैं फिर जाऊंगा। क्योंकि देखो बच्चों की बात नहीं है, देखो ऐसे एग्जाम्पल लो कि तुम्हें जो करना है वो तुम्हें खुद सोचना है कि क्या सही गलत है, और जब ये सोच लोगे सही है तो उसी पे अड़िग रहना है, चाहे जितनी बड़ी फौज आ जाए तुम्हें हटाने के लिए।